हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड बाय कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 + 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। यानी कि यहाँ पे तीन एक्सप्रेशन दिए गए हैं, तीनों को इक्वल आपस में प्रूफ करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले हम इस एक्सप्रेशन से सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं जो कि मेरा LHS है। ठीक है, चलो तो हम LHS लिखते हैं पहले। तो LHS क्या है मेरा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, अब हमको जो भी RHS में प्रूफ करना है वहां भी कॉसेक और कॉट ही है। ठीक है, तो इसको साइन और कॉट में, मतलब साइन और कॉस में चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। पहले चेक करेंगे कि यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कोई भी आइडेंटिटी का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी आइडेंटिटी का तो यूज नहीं हो रहा है। तो ये जो सिंपल फ्रैक्शन है यहाँ पे, इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर a माइनस बी फॉर्म का है। जो भी यहाँ पे फ्रैक्शंस दिए गए हैं उनका डिनोमिनेटर किस फॉर्म का है, a माइनस बी फॉर्म का है। तो पहला दिमाग में बात यही आएगा कि इसको हम रेशनलाइज करते हैं, और रेशनलाइज करना भी सही रहेगा। क्लियर है यहाँ पे। तो इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है यहाँ पे। चलो तो कैसे करेंगे, यहाँ पे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, इसको आप रेशनलाइज करने जा रहे हैं। तो क्या होगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। क्लियर है यहां तक। चलो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यानी कि दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि यहां पर हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ये जो एक्सप्रेशन है ये a माइनस बी फॉर्म का है और ये a प्लस बी फॉर्म का है, जहां पे a के जगह पे कॉसेक और b के जगह पे कॉट थीटा है। क्लियर है यहाँ पे। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ए स्क्वायर का मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है, माइनस बी स्क्वायर का मतलब कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे। ये जो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये एक आइडेंटिटी है जो कि किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। क्योंकि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, अगर हम इस कॉट स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो कॉट स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इधर 1 बच जाएगा। यानी कि 1 = कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यानी कि हम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो लास्ट टाइम को प्रूफ हो गया, यानी कि किसी भी चीज को 1 से डिवाइड करते हैं तो वही चीज होता है। यानी कि सेम चीज आएगा यहाँ पे, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को इसका प्रूफ करना था, एक प्रूफ हो गया। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे क्योंकि यहाँ पे तीनों को आपस में इक्वल प्रूफ करना है। क्लियर है, अब इसी को फर्दर और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, उसको इक्वेशन 2 बोल देंगे। और वहां से बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 वी कैन से दैट ये तीनों एक्सप्रेशन आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ पे। चलो तो अब हम इसी को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, एक पार्ट तो प्रूफ हो गया, इसको प्रूफ करना है, तो इसी को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखेंगे ध्यान से। ठीक है, इसको ये जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में एक्सपेंड हो जाएगा। तो इसी को आगे सॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ये एक्सपेंड करेगा। तो a की जगह पे कॉसेक थीटा है, b की जगह पे कॉट थीटा है। तो ये ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर का मतलब कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यानी कि 2 cosec theta into cot theta। ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेशन देख के ही लग रहा है कि इसको एक्सपेंड किया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी के ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर एक्सपेंड किया गया है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 2 cosec into cot theta है, यहाँ से हम समझ सकते हैं, और यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, जो भी हमको प्रूफ करना है उसमें cosec स्क्वायर नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेरे को cosec स्क्वायर मिल रहा है। तो cosec स्क्वायर को हम cot स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हम रिलेशन पढ़े हैं कि 1 + cot स्क्वायर जो होता है cosec स्क्वायर के इक्वल होता है। तो क्योंकि हमको कॉसेक स्क्वायर नहीं चाहिए, केवल कॉट स्क्वायर चाहिए एक्सप्रेशन में, तो कॉसेक स्क्वायर को हम कॉट स्क्वायर में चेंज कर देंगे। क्लियर है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है 1 + cot² θ के इक्वल होता है। तो इसके जगह पे हम लिख दिए 1 + cot² θ प्लस इधर क्या है मेरा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ये है 2 cosec θ into cot θ। ठीक
ठीक है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा दो बार ऐड हो रहा है तो 2 टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है। वही हमको प्रूफ करना था, 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, इसको हम इक्वेशन 2 लिख लेंगे, ठीक है। और लास्ट में लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट ठीक है, से दैट लास्ट में लिख देंगे, ये तीनों एक्सप्रेशन को आपस में इक्वल दिखा देंगे, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन टू एंड फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट दिस थ्री एक्सप्रेशन आर इक्वल टू इच अदर, ठीक है, या फिर इसी एक्सप्रेशन को लिख देंगे, ठीक है। चलो तो ऐसे ही सॉल्व करना था, लास्ट में खुद से लिख लेंगे, ठीक है। चलो तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रहेगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।